सत श्री अकाल जी, अपने चैनल विच टेल ऑफ फार्म हाउस। चलो जी, हम आपां करदे अपना अज दा व्लॉग नूं स्टार्ट। अज असीं बना रहे हैं कद्दू दे परौंठे। ये बहुत ईजी रेसिपी है, मैं तुहानूं सारा कुछ दस्सांगी। तो ये बड़ी वधिया तरीके नाल बनते हैं। आपां ने इहदे वास्ते लिए दो कद्दू, उन्हां नूं आपां ने चंगी तरह मैश कर लिया, कद्दूकश कर लिया। तो उहदे आपां जिहड़े बीज हुंदे उन्हां नूं कट लिया सीगा। आपां ने उहदी जिहड़ी विचला सॉफ्ट पार्ट आ उहनूं वी कीता सीगा। बी आपां ने कट ले सी, क्योंकि जे आपां बी रखांगे ना फिर वह बाहर भी निकलणगे ते नाले बी पक्के जे हो जांदे ने। ते हुण इहदे विच जी पानी, बहुत पानी हुंदा अपने कद्दू दे विच। आपां कद्दूकश करदे तां आपां नूं चंगी तरह नचोड़ांगे, इहदा पानी सारा निकल जावे। आ देखो जी, हुण आपां ने इहनूं चंगी तरह नचोड़ लिया। ते इह गल ध्यान रखियो, पानी जमा भी नहीं छड्डना, क्योंकि जे पानी रहूगा ना इहदे विच तां फिर अपनी रोटियां विच अपनी तो बिल्लियां नहीं जानी है, तो बाहर नूं आऊगा अपना कद्दू। तां करके तुसीं ध्यान नाल चंगी तरह इहदा पानी नचोड़ लियो। ऐसे ही चंगी तरह नचोड़ लिया देखियो। तो बाद चो लून मिर्च पाने दे नाल भी थोड़ा थोड़ा निकल जाता हुंदा। तो जिहड़ा अपना मसाला वगैरह तुसीं अपने टेस्ट के हिसाब नाल पा सकदे, जिवें तुहानूं ठीक लगेगा। असीं कद्दू नाल होर भी बहुत कुछ बना लैंदे, जिवें रायता बना सकते हैं आपां कद्दू दे नाल। कद्दू दे नाल जे बच्चे नूं सब्जी वधिया नहीं लगती तां तुसीं एवें परौंठे बना के जरूर देखियो, बहुत वधिया बणदे। ते पता भी नहीं चलता कि आपां ने कद्दू दे बनाए ने कि कासे दे बनाए ने। साडे घर दे विच कद्दू थोड़ा घट खांदे ने, तो असी फिर एवें बना के उन्होंने खवाते होंगे, रायता बना लेंगे जां परौंठे। आ देखो जी, आपने लून मिर्च मसाला पा लिया है। लून मिर्च मसाला पा लिया, गर्म मसाला, हल्दी पा ली है, जीरा अपने भुन के पा लिया। हुण आपां इहनूं चंगी तरह करांगे मिक्स, क्योंकि ये मसाला अपने हिसाब दे नाल पाना हुंदा है। मतलब कि असीं तुहानूं अपनी क्वांटिटी दसांगे तां तुसीं शायद वध खांदे हो, शायद घट खांदे हो, तां करके तुसीं अपने हिसाब नाल पा लिओ, ठीक है जी। तो हुण आपां चलदे हां बाहर, आपां बनावांगे चुल्हे ते अपने परौंठियां नूं। चलो जी, आपां इहनूं दो दे विच पैंदे हुंदे ने, तां आपां ने चार चार पेड़ कढ ले। आपने एवें इहनूं वड्डे, थोड़ी ना रोटी नूं वड्डा वेलना है, क्योंकि फिर जे आपां पावांगे ना आपां इहनूं जिवें आपां आलू वाली रोटी नूं वधा लैंदे थोड़ी घट वधदी आ। आपां वधदी तां हैगी आ, बट ना बाहर नूं निकल जांदी, क्योंकि जे ज़्यादा आपां लूण मिर्च पाउंदे ने फिर पानी होर छड़ दिंदा, तां करके चंगी तरह लोट जा नहीं आता है। तां जिवें तुसीं आम अपनी रोटी की शेप लैंदे हो ना, वो तो थोड़ी जी कट लियो। तो उहदे विच आपां फिर पावांगे अपना आह मसाला। असीं ने जी पहलां बना लिया सीगा खासियां रोटियां, तो फिर आपां एंड दे विच आके असीं कि चलो एंड दे विच वीडियो बना लेंदे आ, क्योंकि फिर सवेर दा टाइम सीगा, सारिआं नूं भुख लगी हुई थी कि फिर रोटी पहलां प्रशादे छकाते आपां ने। देखो जी, तुसीं इह जरूर ट्राई करिओ। तो हुण आम कद्दू तां हुंदे ही ने, ये बहुत ही वधिया बनेगा। कि असीं हुण दो दिन तक आपां रायते दी भी वीडियो बनावांगे, वो भी तुसीं ट्राई करो, बहुत वधिया लगेगा। तो बहुत ईजी तरीके, ज़्यादा कुछ पाना भी नहीं पैंदा। आ देखो जी, तुसीं एवें लोड करके पा लियो। अपने इन्नी क रोटी तुसीं साइज़ दे सकते हो, अपनी आम रोटी तो थोड़ी जी छोटी है। ये तो हुण आपां इहदे विच पा लांगे अपना देखो जी, हुण आपां आले दुआले दब के, क्योंकि अपने रोटी मूंगी बेली हुंदी आ, माड़ा जिहा करके एवें हत्थां दे नाल अपने इह बन जाएगी। देखो जी, हुण आपां इहनूं अपनी तवी ते पा दिंदे आ, इहदे ते ला दिंदे अपना घिओ, जिवें आपां अपनी आम रोटियां नूं लगांदे आ। देखो जी, असीं वड्डी कड़छी दे नाल सोचा सी चलो ला के देखदे आ, इहदे शीशे ते बन रहे सी। देखो जी, अपने साइड ते बोईए जी रोटियां बणियां पईआं ने। देखो जी, अपनी रोटी हो गया बन के तैयार। तुसीं भी अपने घर ट्राई करो, तो सानू कमेंटा च दसो थोड़ी किवें बनी। चलो जी, वीडियो नूं एंड तक देखने लई थोड़ा थैंक यू, बाय बाय।